जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यूके का सबसे आसान वीज़ा, जहाँ पर ना तो क्वालिफिकेशन चाहिए, ना LMI चाहिए, ना इंग्लिश चाहिए, जो मात्र 11-12 हज़ार में आप यूके जा सकते हो और वहाँ जाकर आप काम भी कर सकते हो। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसको लॉन्च किया गया 31 जनवरी 2024 के बाद, जिसको डिस्कस करेंगे वन बाई वन और बताया जाएगा किस तरह आप भी ये वीज़ा ले सकते, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वीज़ा कौन से टाइम, सब डिस्कस करेंगे। पर जो आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो चलेगा मेरे साथ फिनलैंड और लग्जमबर्ग। इसका सारा खर्चा मैं दूंगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर को मैंने ऑलरेडी अफ्रीका कमाया हुआ है, एशिया, मिडिल ईस्ट, और मैंने अभी रीटा रानी को मैकबुक दिया था और दिवाली पर मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स सब्सक्राइबर गिफ्ट दिया था। अब लेकर जा रहा आपको यूरोप, तो वीडियो कमेंट जरूर कीजिए। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरिटी पर दिल से स्वागत। आज हम डिस्कस यूके का सबसे आसान वर्क वीज़ा, जो आपके सपनों को पूरा कर दे। और इस वीज़ा खूबसूरती है कि अब आप वहाँ पर जाकर काम भी कर सकते हो। कौन कौन लोग वहाँ पर जाकर काम कर सकते, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं यूके विजिटर वीज़ा। इसकी मात्र कॉस्ट 12,000 है और स्क्रीन पर आपको दिखाया भी जा रहा है। 6 महीने की वीज़ा लोगे 12,000 है, अगर 2 साल के 43,000 है, अगर 5 साल के 84,000 है, अगर 10 साल का लोगे तो रफली 1,00,000 के बराबर है। तो ये यूके विजिटर वीज़ा है जहां पर आप लोग जाकर अपने सपना पूरा कर सकते हो। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगर आपकी कंपनी यूके में भी है, इंडिया में या किसी कंट्री में भी, आप यूके जाकर अपने प्रोजेक्ट पर अपने को एंगेज कर सकते हो। उसके बाद जो अगर विजिटर्स हो, आप रिमोटली काम भी कर सकते हो, जैसे मेरे साथ कोई लड़का चल पड़ा, मेरा एडिटर, वो वहां पर जाकर वीडियो एडिटिंग का काम भी कर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च एंड एकेडमिक्स आर आल्सो अलाउड टू रिसर्च। लॉयर्स भी वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं और प्रोसीडिंग एंड टीचिंग कर सकते हैं। PPE भी कर सकते हैं, अगर कोई आदमी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में जा रहा है उसको पैसे पे ही मिलेंगे, जिसको बोलते हैं परमिट पेड एंगेजमेंट। पर उनको ये काम 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा जब वो पहुँचते हैं। पर उनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि वो विजिट करने जा रहे हैं। तो अब रूल चेंज हो गए कि अगर आप वहाँ पर रिमोट के लिए जा रहे हो, PPE के लिए जा रहे हो, लॉयर हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, एविएशन इंडस्ट्री से हो, अगर आपकी कंपनी वहाँ यूके बेस्ड है, आप लोग वहाँ पर जाकर काम कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपका मेन पर्पस टूरिस्ट है। पर फिर भी आपको वहाँ पर पैसा मिल सकता है आपके जो भी काम करने का। ये तो नहीं होगी यूके में कौन लोग काम कर सकते, कितना वीजा फीस है। अब इसमें आपकी फैमिली आपके जा सकती है। बेनिफिट ऑफ यूके टूरिज्म, आप 6 महीने वहाँ पर रह सकते हो, आप अपना वीज़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो, आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड भी कर सकते हो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को मिल सकते हो, आप ब्रिटिश कज़ियून और ब्रिटिश कल्चर को देख भी सकते हो। विजिट वीज़ा में 4-5 होते हैं। एक होता है फैमिली विजिट वीज़ा जो मुझे मिलने आएगा, एक स्टैंडर्ड यूके टूरिस्ट वीज़ा होता है, शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा होता है, परमिट पेड एंगेजमेंट वीज़ा पर वो बंद हो गया है, अब आपको इसमें ही कर सकते हो, या फिर एक मैरिज वीज़ा होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, आपकी फोटोग्राफ चाहिए, आपको स्क्रीन पर आपका पासपोर्ट दिखाया जा रहा है, फोटोग्राफ दिखाई जा रही है, आपकी सैलरी में आप अगर आप एम्प्लॉयड हो, आपके HR का लेटर चाहिए, NOC चाहिए, आपकी पे स्लिप चाहिए, आपकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, और मेरे ख्याल से अगर आप 10 दिन घूमने जा रहे हो, आपके बैंक बैलेंस कम से कम 2-3 लाख होना चाहिए, और वो भी आपकी FD और कैश में। तो ये तो हो गया जो लोग एम्प्लॉयड है। जिनके पास कोई काम बिजनेस करते हैं या कोई शॉप में काम करते हैं, आपको वहाँ के लेटर लेना है, आपके बिजनेस जो भी आप काम करते हो, बिजनेस का ऑर्डर बुक दिखा सकते हो, आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे 6 मंथ की, 3 साल की बैंक ITR दिखाओगे, और एक बात है अकाउंटेंट का लेटर भी लगा सकते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ये तो बिजनेस हो गया। अगर स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेटर लोगे कि मेरा ये लड़का स्टडी कर रहा है, लड़की स्टडी कर रही, कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, अपने अटेंडेंस लोगे, अपनी परमिशन लोगे प्रिंसिपल से, और उस पर लेटर पैड पर आप स्टूडेंट भी वीजा लगा सकते हैं। बैंक बैलेंस 2-3 लाख चाहिए, प्लस आपको दिखाना पड़ेगा आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम भी है और आपका इंडिया जाने का अटेंशन भी है। ये तो हो गया आपकी सैलरी फाइनेंशियल। इसके अलावा आपको ट्रैवल प्लान दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप प्लीज़ जाइए, मैंने कितनी बार बोला है, ट्रिप एडवाइजर पर जाइए, वहाँ पर वाउचर लीजिए, लंदन ब्रिज का या लंदन आई का आप दिखा सकते हो, और लंदन, और इसके अलावा आपको ट्रैवल प्लान बनाना पड़ेगा जहाँ बताओगे आप 5 दिन इस होटल में रुकोगे। होटल बुकिंग के लिए आप अगोडा और booking.com जाओ, booking.com वेबसाइट दिखाई जा रही है, यहाँ पर होटल कैंसिल होता है 24 आवर्स पहले, तो आपका पैसा भी नहीं कटेगा। आपको होटल की बुकिंग दिखानी है, आपको ट्रैवल प्लान बनाना है, आप कौन कौन साइट को विजिट करोगे, उसके लिए आपको ट्रिप एडवाइजर के पास जाना पड़ेगा, जो कि एक यूके की सबसे बड़ी वेबसाइट है, जहाँ पर गोरे लोग भी अप्लाई वाउचर्स लेते हैं और आपको वीज़ा लग जाएगा। तो ये ट्रैवल प्लान हो गया। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस अगर लेना चाहते ले सकते हो, आपकी फ्लाइट की रिटर्न टिकट भी दिखानी पड़ेगी, आपकी जब आने और जाने की दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा आपका इनफ फंड है जिसमें फ्लाइट तो पे कर दे, लेकिन फूड और ट्रैवल के लिए आपको दिखाने में रफली £50 एक दिन के, जो कि रफली 5,000 है। अगर आप 10 दिन के लिए आपके अकाउंट, आपके पास 50,000 का कैश होना चाहिए। और इसके अलावा आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यूके छोड़कर चले जाओगे एंड ऑफ द ट्रिप, और आपके पास वो है आप रीज़न है यूके इंडिया जाकर आप जॉब करने का या स्टडी करने का या बिजनेस करने का। तो ये तो गाइज आपको स्क्रीन पर फिर दिखाई, फीस आपको फिर दिखाई दे रही, स्क्रीन पर फीस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका वीज़ा प्रोसेस टाइम 3 वीक में लगकर आ जाता है गाइज। अगर आप
आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ओनली वन कॉल अवे बिकॉज मेरे सीवी को लेकर आप वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर जाकर आप जॉब खुद से भी ढूंढ सकते हो। तो गाइस यू के रिक्रूट करा है केयर होम में लाखों लोगों को, यू के रिक्रूट करा है शेफ, कॉमी शेफ 1, 2, 3 हॉस्पिटैलिटी में, वेटर, वेटर्स, कंस्ट्रक्शन फील्ड को भी इन्होंने ऐड रिसेंटली कर दिया वर्क वीज़ा में, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगर आप प्लास्टर्स हो, आप मेसन हो, कारपेंटर हो ना, किचन में फिटर्स हो, तो आपको वर्क वीज़ा बड़े आराम से मिल सकता है। और इसके अलावा यूके में और बहुत सारे वीज़ा हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश टेस्ट और जॉब नहीं चाहिए, वो है यूथ मिलिट्री वीज़ा जो कि फरवरी में आने जा रहा है, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। तो नो LMI ऑन दिस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर, इसमें बस आपको क्या चाहिए, अगर कोई आदमी यूके में पासपोर्ट होल्डर वो आपको बुला रहा है, उसके लिए आपको उसका पासपोर्ट चाहिए, ये गलती मत करना यार। फिर उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए उस ब्रिटिश लड़के लड़की का, उसके टैक्स डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके घर की रजिस्ट्री चाहिए और उसके घर का बिल चाहिए, और फिर एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए, वो बताएगा कि वो आपका रहना पान, खाना पीना, खर्चा वहाँ सारा उठाएगा। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाओगे, सिर्फ एक स्पॉन्सर लेटर लगाओगे, आपका वीज़ा रिफ्यूजन 100% के करीब हो जाएगा। तो गाइस आपको उससे भी डॉक्यूमेंट मांगने, उसका टैक्स डॉक्यूमेंट मांगने, उसके बैंक स्टेटमेंट मांगनी है, उसके घर का रहना, घर का कहाँ रह रहा वो मांग रहा है, टेनेंसी एग्रीमेंट या उसके घर की लैंड रजिस्ट्री मांगनी है, घर का बिल मांगना है, और उसके पासपोर्ट कॉपी मांगनी जहां पर उसका यूके का वीजा है या उसका यूके का पासपोर्ट है। इस सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप जब बैसी जाओगे, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये यूके टूरिस्ट वीजा फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करोगे और विद इन मेरे ख्याल 4-5 दिन में आपका वीजा लगकर आपके हाथ पे आ जाएगा, जहां पर आप 6 महीने जा सकते हो। और ये सबसे आसान वीजा जहां पर आपको एज लिमिट भी नहीं है, कोई LMI नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं। आई होप आप वीडियो को लाइक और कमेंट कर अपनी फ्री एंट्री चाहोगे। अगर आपको जॉब यूके में चाहिए मात्र 5,000 में, इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है, मैं 19 साल यूके में और मैं लाखों लोग स्क्रीन पर दिखा रहे जॉब लगा दिया, अब आपकी टर्न है आपकी जॉब लगाने के लिए। बट ऑन द मेन टाइम अब जहाँ रहे सदा खुश रहें।